अरे अरे रुको रुको, मेरा व्लॉग स्किप कर कर कहाँ जा रहे हो आप लोग? ये वाला व्लॉग देखने में तो बहुत ही मज़े आने वाले हैं गाइस। तो चलो देखते हैं इस व्लॉग में है क्या। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि मैं आम तोड़ रही हूँ, कच्ची कैरी, मतलब देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। नहीं तो आज हम बनाएंगे आम चटनी, मतलब हम बोलते हैं आम माखा। हम बनाएंगे आम मखा और आम पन्ना, जो बहुत ही टेस्टी होने वाला है गाइस। और ये देखो मेरी हालत, हाथ में आम लेते हुए मैं जा रही हूँ घर, और अभी बनाने वाली हूँ वाओ अमेजिंग सी चटनी। तो यहाँ पर हमने एक केले के पत्ते को धोकर यहाँ पर हमने रख दिया है आम, और साथ में नींबू के पत्ते, आए है क्या कॉम्बिनेशन है गाइस, और मिर्ची। और यहाँ पर हम आम की जो छिलके हैं वो हम छील रहे हैं। बहुत टेस्टी होने वाला है गाइस, आप लोग सिर्फ देखते रहो ठीक है। और यहाँ पर हम आम के छिलके को छील लिए हैं हम लोगों ने। आम के छिलके को छिलने के बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ कद्दूकश, मतलब मैं बना नहीं पा रही हूँ गाइस, मतलब कब खाऊँ ऐसा लग रहा है। मतलब मैं इधर से बना रही हूँ और इधर से मेरा मतलब ना बहुत ही खाने का मतलब जी ललचा रहा है मेरा, मैं कब खाने को मिलेगा। और यहाँ पर देखो मिर्ची एकदम बहुत ही, हम लोग मिर्ची देने वाले हैं इसमें और बहुत ही तीखा बनाने वाले हैं। और यहाँ पर दे दिया हमने नींबू के पत्ते। और यहाँ पर आम पन्ना बनाने के लिए हम आम को टुकड़ों में काट रहे हैं। सारे आम को टुकड़े करने के बाद हम इसको मिक्सी में मिक्स करने वाले हैं, मतलब इसका पेस्ट बनाने वाले हैं। और हम लोगों ने एक ही साथ एक केले के पत्ते में सारा इंग्रेडिएंट रख दिया है। उधर आम की चटनी होने वाले हैं और इधर से हम लोग आम पन्ने बनाने वाले हैं। और अभी हम चटनी में देने वाले हैं मलाई। मलाई देकर खाने से बहुत अच्छा लगता है गाइस, आप लोग भी मलाई देकर चटनी बनाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर दिया है नमक, और फिर हम ऐड करने वाले हैं चीनी। और ये काम करने में ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता गाइस, क्योंकि मिर्ची को जो मसलना पड़ता है ना, हाथ बहुत ही जलता है। लेकिन हम लोग कहते हैं ना, जितना मसल कर आप लोग मिक्स करोगे ना हाथों से, उतना ही टेस्टी लगता है खाने में। और अभी मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है गाइस, मैंने मुंह में डाल दिया और क्या स्वाद बताओ गाइस, आहा क्या टेस्ट है इसका। गाइस आप लोग मेरा एक्सप्रेशन तो देखो ज़रा। और बीच में मैं एक बात बताती हूँ कि आप लोग मेरी टूटी फूटी हिंदी को इग्नोर करो गाइस, मेरी हिंदी ऐसी ही है। और अभी बनाने वाले हैं हम आम पन्ना। और आम पन्ना बनाने के लिए हम लोगों ने जो आम के टुकड़े कर रखे थे वो हम लोगों ने दे दिए एक मिक्सी में, और थोड़ा पानी ऐड कर दिया, साथ में 3 मिर्ची ऐड कर दिया। और अभी करने हैं हम मिक्स। और ये है हमारे पेस्ट किए हुए आम, और इसको हम अभी छनने वाले हैं एक छन्नी में। तो इसको छनने के बाद यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं ठंडे पानी। और ठंडी पानी मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम चीनी और नमक मिक्स करेंगे स्वाद अनुसार, और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम लोग ग्लास डेकोरेट करने के लिए थोड़ा ले रहे हैं मिर्च पाउडर, और साथ में थोड़ा नमक। और मिर्च पाउडर और नमक को हम लोग एक साथ मिक्स करके एक गिलास को गिलास के चारों ओर हम लगाएंगे, ये ग्लास डेकोरेट करने के लिए है। और हमारा आम पन्ना हो गया तैयार। अय हाय दिखने में कितना लाजवाब लग रहा है, मतलब कब खाऊँ कब टेस्ट करूँ ऐसा लग रहा है। देखो ये है आम पन्ना तैयार। और अभी ऐड करने वाले हैं आइस क्यूब, जिससे हमारा आम पन्ना हो जाएगा एकदम ठंडी। और अभी हम डेकोरेट करने के लिए ऐड कर रहे हैं पुदीने की पत्ते।
और गाइस फाइनली तैयार हो गया हमारा आम पन्ना और आम की चटनी, और हम लोगों ने सबके लिए यहाँ पर केले के पत्ते में सर्व कर लिया है, और अभी बारी है खाने की। रुको भाई रुको, अभी तो सब लोगों का एक्सप्रेशन देखना बाकी है खाने के बाद वो लोग क्या रिएक्ट करते हैं। और ये देखो हमारी पूजा की रिएक्शन, और अभी हमारी माँ आया है, वो मतलब खाकर इतनी खुश है ना, उनको बहुत अच्छा लगा खाकर, उनका रिएक्शन तो देखो, हंसी तो देखो। और यह है मेरी मामी, वो भी बहुत एक्साइटेड है और खाकर उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। और यह है हमारी अदिति, उसको भी खाकर बहुत अच्छा लगा। तो चलो देखते हैं सबका रिएक्शन। और फाइनली अभी खा रही हूँ मैं, आए हाय क्या स्वाद है। अगर मैं स्वाद आप लोगों को बता सकती मुझे कितना टेस्ट लगा, आम पन्ना ठंडा ठंडा और साथ में आम की चटनी, एकदम लाजवाब। और अगर आप लोगों को मेरा ये आम चटनी और आम पन्ने वाला ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और बिल्कुल ऐसा ही बनाकर खाना बहुत टेस्टी लगता है गाइस, टाटा। और ये वाला पार्ट खाना तो बिल्कुल मत भूलना, बहुत टेस्टी लगता है।